Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Heading on the ground to where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Enemy down. I'm alone. तो गाइज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और कैसे हो आप सभी लोग ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं PUBG Mobile Lite, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम प्ले है। मतलब कि ये गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लचेस के बाद क्लचेस देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और दो गेम प्ले है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने Payback 2 खेला था, तो इसीलिए दो गेम प्ले डालूंगा इस वीडियो में मैं। तो यहाँ पर मैं वेयरहाउस कूदा था, वेयरहाउस में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब कि कोई भी नहीं आया था। और इधर मैं जैसे ही आता हूँ एक बॉट मुझे मिलता है, जिसको कि मैं मतलब कि मार देता हूँ। और बॉट मारने में क्या ही होगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपार्टमेंट में अपने हरामी दोस्तों के साथ। और यहाँ पर ये मतलब कि ये दो बंदे थे जो लोग ओपन में फंस चुके थे, और अब देखना इन लोगों को मैं कैसे मारूंगा। और इतने में मेरा एक बंदा, मतलब कि मेरा एक टीममेट, वो चला जाता है सामने। तो पहले तो मैं सोचता हूँ कि इधर से ही मारने के लिए, लेकिन मैं इधर से मारता तो हूँ, लेकिन एक एम से भाई क्या ही होता, ऊपर से स्कोप भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो क्लोज ही नहीं कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि गाड़ी लेके चलते हैं, लेकिन गाड़ी के ऐसे हालत देखे मेरे में मतलब कि हिम्मत नहीं हुई इस गाड़ी को लेके जाने में। और यहाँ पर मैं ओपन से ही सीधा पुश कर दिया। और देख सकते हो एक बंदा, मतलब कि एक नंबर वाला बंदा पहले ही चला जा चुका है। तो देखना अभी मैं सामने वाले दो बंदों को कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पर मैं आके सीधा इसलिए लेट गया क्योंकि देखो वो लोग ओपन में है, वो लोग मतलब कि वो लोग भी सांप बने हुए हैं, तो मुझे भी सांप बनना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको भी सांप बनना पड़ता है। चौड़ में अगर आप लोग जाओगे जो लोग प्रोन हैं उन लोगों के सामने, तो आसानी से वो लोग आपको मार सकते हैं। इसीलिए कभी कभी आपको भी प्रोन होना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं प्रोन होने के बाद मुझे एक बंदा दिखता है, जिसे कि मैं नॉक कर देता हूँ और उसके बाद इसको फिनिश भी कर दूंगा। तो यहाँ पर इन दोनों को बंदों को मारने के बाद ही यहाँ पर एक फ्री का किल, मतलब केटी बनाने का मशीन आ जाता है, तो इसको भी मैं मार देता हूँ। और अभी मैं जाऊँगा दूसरी जगह पे, दूसरे बंदों पे रश करने। तो देखना, यहाँ पर मैं सीधा स्कूल की तरफ आ रहा था और इधर एक सरकारी ड्रॉप गिरा था, और यहाँ पर देखना क्या ही फाइट होगा। और मेरा जो टीममेट है तीन चार नंबर वाला बंदा, वो चौर में आके चौधरी बन के पहले ही चला गया। और ये देखो जाके नॉक भी हो गया और अब चिल्ला रहा है भाई हेल्प 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 हेल्प। क्यों भाई, तेरे को पहले जाने के लिए किसने बोला था। यहाँ पर मैंने एक बंदे को तो डैमेज तो दिया, और अब मैं सीधा रश कर देता हूँ और देखना कैसे ही मारेंगे। यहाँ पर मैंने एक बंदे को तो नॉक कर दिया और अब देखना दूसरे बंदे को भी मारेंगे। और ये देखो दोनों बंदों को ही बहुत ही आसानी से मार दिया। और इसका जो लास्ट बंदा था, मतलब कि तीन नंबर वाला बंदा था, वो देखना कैसे आएगा। मतलब भाई मैं क्या बताऊँ, इन लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसलिए सामने से आके मेरे से फाइट ले रहे हैं। तो खैर इन दोनों को भी मैं मतलब कि इन तीनों को ही मैं मार देता हूँ। और यहाँ पर देखो मेरा टीममेट नॉक होकर चिल्ला रहा है कि भाई रिवाइव कर दे रिवाइव कर दे। तो मैंने पहले सोचा कि रिवाइव होकर क्या ही करेगा, तो पहले मैं थोड़ा सा लूट लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी इसको तो रिवाइव होकर क्या ही करना है, मुझे ही खेलना है गेम, मुझे ही दिलाना है चिकन, तो ये क्या ही करेगा। तो पहले मैंने M4 लूटा लिया और उसके बाद जाके मैंने इसको रिवाइव दिया। पर जैसे ही मैंने इसको रिवाइव दिया, पीछे से M249 चला, तो मैंने तो पहले स्पॉट किया बंदों को। और अब देखना मक्खन स्प्रे किसे कहते हैं, आप लोग देखना।
और ये बंदा भाई पहले तो मेरे को मारता है, और ऊपर से जब इसको लगा कि ये मेरे स्प्रे से बच नहीं पाएगा, ये भागता है। तो मैंने इसको आसानी से नॉक कर दिया, और अभी मैं हीलिंग करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर दो बंदे हैं एटलीस्ट, और इन दोनों बंदों को ही मारूंगा। यहाँ पर नहीं, थोड़ी दूर जाके मैं मारूंगा। तो पहले तो मैं ये देखो यहाँ पर देख रहा था, क्योंकि अगर मैं ओपन से जाऊंगा, वही बात है, ये लोग साफ बने रहते हैं साले, और जाने से ही मार देते हैं। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा कवर टू जाना। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बंदे को भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया था, लेकिन वो बंदा इतने में मतलब कि कुछ देर बाद ही कर देगा स्मोक। ये देखो स्मोक कर सकता है, और देखो पीछे से साला उस समय बॉट आ गया। तो इस बॉट को तो मैंने मार दिया, और अभी देखना है एक दो बॉट और आएंगे जो लोग मुझे कि एकदम 1 HP छोड़ेंगे। ये देखो साइड से भी एक बॉट आ गया, सामने से भी एक, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। और अब देखना भाई दीवार के अंदर बॉट एक गोली चलाते हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ। बॉट का जो बुलेट था ना, वो लगभग एम बॉट की तरह है, दीवार के अंदर भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा हील वील किया, क्योंकि देखो बॉट के चक्कर में अगर मैं मारने जाऊँगा, वो देखो सामने से बॉट आ रहा है, आप लोगों को दिख गया होगा फ्रेम में, और इसकी गोली मतलब अंदर तक आ रही थी। वो तो खैर अच्छा हुआ कि मेरा जो हरामी टीममेट था, जिसको कि मैंने पहले ही रिवाइव दिया था, वो इस बॉट को मार देता है। और यहाँ पर ये अच्छा होगा, क्योंकि मैं डैमेज खा रहा था और मेरे पास कोई फर्स्ट एड किट भी नहीं था। लेकिन मैं ऐसे ही इसी हिल में इन दोनों बंदों को मारूंगा, यहाँ पर नहीं कुछ देर बाद। तो उतने में ये दोनों बंदे मतलब कि जो लोग थे पहले, वो लोग चले जाते हैं जोन में, हम लोग भी चले आते हैं जोन में, और यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बचा रहता है जो कि मेरे टीममेट को नॉक करता है, और इसको मार के कर लेते हैं भाई इजी चिकन डिनर। और ये था पहला गेम प्ले, और दूसरा गेम प्ले भाई इससे भी बढ़िया होने वाला है। दूसरे गेम प्ले में मैंने आया था स्टेडियम, और स्टेडियम में आते हैं बंदे मतलब थोड़ा बहुत, और यहाँ पर आने के साथ साथ ही मुझे मिल जाता है भाई एक गेम सॉरी स्कारेल। और अब दिखाओ बंदे कहाँ हैं, अब दिखाओ। तो रुकने में भाई मुझे एक बॉट मिलता है, और मैं बताता हूँ जब भी आप लोग गेम प्ले शुरू के समय मतलब जब आप मैच खेलते हो शुरू के समय, जब भी आपके पास कोई बॉट आता है और आप उसको मार देते हो, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। मतलब आप लोग मान लो उस गेम प्ले में आपको चिकन मिलेगा ही मिलेगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है। अगर देखो इस गेम प्ले में मैंने चिकन ले लिया, इसके पीछे कारण सिर्फ वो बॉट होगा, क्योंकि उस बॉट को मैंने पहले मारा, और उसके साथ साथ ये भी बंदा मिल गया, तो इसको भी मैंने मार दिया। ये बंदा टीवी भी ले रहा था। खैर उसके बाद यहाँ पर एक बंदा था जिसका कि मैंने किल चुराने की कोशिश की, लेकिन नहीं ले पाया। लेकिन जो उसको मारा था उसका किल मैंने ले लिया। और यहाँ पर लगभग लगभग स्टेडियम खाली नहीं हुआ है, कुछ बॉट है, इन दोनों को भी मतलब कि कुछ बॉट अभी भी बच रहे हैं। तो इस बॉट को भी मारते हैं और जाते हैं स्टेडियम से निकलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों बॉट को मारने के बाद मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है, और भाई मैं क्या बताऊँ क्या ही डैमेज दिया। खैर कोई बात नहीं, इतने में मेरा टीममेट उसमें से एक बंदे को नॉक कर देता है। देखो नॉक कर दिया, और अभी हम लोग उन पर रश करेंगे, क्योंकि भाई दूर से कितने देर तक नॉक नॉक खेलेंगे, इसलिए मैं सीधा रश कर देता हूँ। और अब देखना है इन लोगों को कैसे मारेंगे हम सब मिलके। और यहाँ पर मुझे एक किल मिल जाता है, मुझे लगा कि दो किल मिलेगा, लेकिन मेरे हरामी टीममेट साले किल चुरा लेते हैं। और खैर कोई बात नहीं, ये एक किल तो मिला। और उसके बाद मैं यहाँ पर गाड़ी लेके ढूंढ रहा था, और बंदे पता नहीं कहाँ जा रहे थे, और मैं लास्ट बंदे को ढूंढ रहा था, क्योंकि सभी बंदे मर गए थे। और यहाँ पर मेरा टीममेट उस बंदे को मार देता है, मतलब कि मैं घूम रहा हूँ और मेरा टीममेट उधर उस बंदे को मार रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये थी आज के पहले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। और एक और बात, मैंने कुछ दिनों पहले पेबैक 2 का गेम प्ले डाला था, आप लोगों को बताना है कमेंट में कि मैं पेबैक 2 का गेम प्ले फिर से लाओ कि नहीं। और मिलते हैं गाइज आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।